लालू यादव आगे आगे बढ़िए 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 अभी आगे जा रही है तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई दो मिनट यहीं गेट पे खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना। आप लोगों ने कहा कि ईडी का नहीं बीजेपी का संबंध है, आप लोगों ने कहा कि ये ईडी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध है, कैसे है? मीसा जी, दिल्ली को भी बुलाया गया था, इसके पहले से मुंबई गई थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपने मीसा भारती को सुना? इस तरीके से ईडी नहीं कर रही है लगातार, आप लोगों को प्रचार करिए, क्या कहिएगा? अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है, जब वो उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। लालू जी की तबीयत खराब होने के बावजूद, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, जिस तरीके से आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आप